कौन दे रहा है? पहले तो जसवाल थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए हल्का सा इन लोगों को। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। देखिए, जो अपीयर हुए हैं आज मॉक इंटरव्यू के लिए, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि ये पीसीजे का जो इंटरव्यू है, बेसिकली इसमें आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है और ये पर्सनालिटी टेस्ट है। और एक जो सिविल जज जिसको बनाया जाना है, उसमें ये बातें कंसीडर करनी है कि एक तरफ प्रोसिक्यूशन है, दूसरी तरफ डिफेंस है, एक तरफ प्लेंटिफ है, दूसरी तरफ डिपेंडेंट है, तो दो पार्टी रहते हैं। तो उनकी बातों को बहुत ही डीपली सुनना, समझना और उसके बाद डिसाइड करना, ये बड़ा टफ वर्क है। और इसमें बैलेंस बनाना ये जरूरी है। तो आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट पे ध्यान देना है। और पूरे इंटरव्यू के दरमियान आप ये जान लीजिए कि आपको इस बात पे फोकस नहीं करना है आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। आप जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनेंगे तो आपके पास बहुत सारे असिस्ट करने के लिए चीजें होंगी। आपके पास मेटेरियल होगी, लॉ होगी, एक्ट होगी, दो दो पार्ट दोनों पद से बताने वाले होंगे, तो आपके पास टाइम रहता है कि आप देख सकते हैं। मेन चीज ये है कि आप चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। तो बेसिक बात यह है कि आपका प्रेजेंटेशन जो हो 2D पॉइंट हो, चीजों को समझने की कोशिश करिए। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन, और आप स्टार्ट कर दे रहे हैं सेक्शन से, एक्ट से शुरू कर दे रहे हैं। तो आप बताइए कि कोई चीजें यदि पूछी जा रही है तो उसका मीनिंग क्या है, और आपके एक क्वेश्चन से ही दूसरा क्वेश्चन निकलेगा। अब कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन इंटेंशन, और आप बताना शुरू करें कि आईपीसी धारा 34 में जो है कॉमन इंटेंशन का प्रोविजन है, तो ये बात जमेगा नहीं। आपको बताना चाहिए कि कॉमन इंटेंशन है क्या। तो आप ये, और एक बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि स्टार्टिंग के आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको नहीं पता है, आप सारी सर बोल रहे हैं और अपना पेशेंस, अपना जो है कॉन्फिडेंस बनाए हुए हैं। तो मैंने ये भी देखा है, मेरा एक स्टूडेंट 72 मार्क्स पाया और ज्यूरिसप्रूडेंस के 7 क्वेश्चन का उसने सारी सर करके आगे बढ़ा था, और आप उन्होंने लास्ट में कहा कि आप तो ज्यूरिसप्रूडेंस कुछ भी बता ही नहीं पा रहे हैं। तो उनका आंसर ये था कि सर मैंने एग्जाम के पर्पज से देखा था और मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और तो सॉरी सर इसके लिए। लेकिन एक स्माइलिंग हल्का सा लाइट, ये भी नहीं लगे कि आप दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप इन बातों को ध्यान में रखे, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना लूज करिए। ये नहीं कि अभी स्टार्टिंग में आपको शुरू में ही एडवर्स चीजें, एडवर्स क्वेश्चन मिल गए, नहीं बता पा रहे हैं तो बाकी इंटरव्यू ही ना दे पाए। आपका एक बेहतरीन आंसर आपको सेलेक्ट करा सकता है और 10 आपके गलत आंसर आपको रोक नहीं सकते हैं। तो बेसिक चीज मेरा यह है कि आपकी ये क्या है, क्या पर्सनालिटी टेस्ट है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कैसे आपकी लिसनिंग कैपेसिटी कितनी है, लिसनिंग के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन को, यदि कंप्लीट क्वेश्चन है तो कैसे कैसे उसको टुकड़े में बांटते हैं, और एग्जैक्ट आप हिट करते हैं। बहुत वहां टाइम नहीं रहता है कि आप हियर एंड देयर कर सकें। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बेसिक चीजें हैं, आपके पास जो भी समय है आप थिंक करिए कि मैं कौन हूं, मैंने कहाँ से एजुकेशन लिया है, एजुकेशन में मेरा अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट किन प्लेसेस से रिलेटेड है, उन प्लेसेस प्लेसेस की पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, रिलीजियस रिलीजियस और रिचुअल्स क्या रिकॉग्निशन है, और फिर ये कि किस साल आप पास आउट हुए हैं और पास आउट होने के बाद आप क्या कर रहे हैं। आपके पढ़ने के अलावा भी कुछ यदि हाबी है तो उस पर फोकस करिए और थिंक करिए कि क्या क्या नेचुरल क्वेश्चन। ध्यान रहे, इंटरव्यू को आप अपने हिसाब से भी चला सकते हैं
अदरवाइज केवल क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूरा इंटरव्यू दे के चले आएंगे, आपकी पर्सनालिटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट सामने नहीं आ पाएंगे। तो आपको देखना क्या है कि आपका जो पूछा जाए टू द पॉइंट वो बताइए, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में से निकल के आएगा, फिर उसके बाद आपका ये होगा। तो अभी अभी कितने लोग आ पाए हैं? हेलो अनुज सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो आवाज, क्या मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं सर? सर आवाज आ रही है सर आपकी? आ रही है सर। तो अभी कोई है स्टूडेंट? आलोक आ गया है सर, आलोक पांडे जो है वो आज देगा सर। तो आलोक पांडे का और ये हेलो आलोक जी, आपको हम लोग स्टार्ट करें, इसके पहले आप ध्यान रखिए कि आप अपने आप बेस्ट परफॉर्म करिए और कोशिश ये करिए कि आप बिल्कुल इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हैं, आपकी सिटिंग पोजीशन वहां भी ऐसे ही रहने वाली है, क्वेश्चन को सुनते ही एकदम धड़ाम से फूट नहीं पड़ना है, विद इन सेकेंड उसको एनालाइज करके आंसर देना है, और फिर देखिए आपका जो है ये तो ये हम आपको सजेस्ट कर दे रहे हैं, और बाकी आपके जब हम इंटरव्यू ले लेते हैं तो उसके बाद ये है। ओजा सर आप रेडी हैं तो स्टार्ट करें? ओ सौर सर हैं? तो सौर शायद आज नहीं करेगा, वो गया है तिरुपति दर्शन करने, तो शायद आज वो नहीं आएगा, आप हम रोक कर लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करूं? हाँ हाँ हाँ, कौन इंटरव्यू दे रहा आज? सर आलोक पांडे सर। हाँ आलोक आ जाओ। हाँ सर, ऑन करो कैमरा। आप पहली बार दे रहे हो? आप एक बार दे चुके हो? जी सर दे चुके हैं एक बार। अच्छा आप रिपीट करना चाह रहे हो? जी सर। रिपीट करना चाह रहे हो आलोक जी? नेक्स्ट 10 सेकेंड में आपका फॉर्मल इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, और ओझा सर इसको स्टार्ट करते हैं, फिर जब हम लोग को सौंपते हैं तो फिर हम उसे देखते हैं। ओझा सर स्टार्टिंग का या गुड इवनिंग आलोक, यू आर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम? सर मैं तो इंग्लिश मीडियम हूँ, लेकिन इंटरव्यू सर हिंदी मीडियम में देंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आलोक बताओ अपने बारे में कुछ खास बताइए, क्या है आपका बैकग्राउंड, क्या है आपने क्या किया है, आपका परिवार क्या है? सर मेरा नाम आलोक पांडे है, मैंने अपनी BLLB और LLM इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी से की है। मेरे पिताजी पेशे से किसान हैं, माताजी गृहिणी, और मेरी एक छोटी बहन है जो अभी ग्रेजुएशन कर रही है। तो आप लोग दो भाई बहन हैं, आप हैं, आपकी छोटी बहन है? जी सर। खेत कितना है गांव में? सर खेत 4 से 4-5 बीघे होंगे सर। तो आपके पूरे परिवार का जो काम है उसी खेत से चलता है? जी सर। ये पापा कुछ और काम भी करते हैं? सर पापा बेसिकली खेती ही है और कुछ नहीं है सर। आलोक ये बताओ आपने अभी तक जो इतनी जीवन की यात्रा की, आपने पढ़ाई किया, लॉ किया, कमीशन लिया, आपने किन किन समस्याओं से अपने आप को रूबरू किया है, कौन कौन समस्याएं आपने देखी हैं? सर पर्सनल मैंने मेरी अपने लाइफ में या समाज में? आपने खुद स्वयं अपने जीवन में? जी सर, पहली समस्या सर तो एक मध्यम वर्गीय होने की वजह से इकोनॉमिक समस्या देखी है, और सर हेल्थ इश्यूज भी देखे हैं। हेल्थ इश्यूज भी देखे हैं। जो आपने समस्याएं देखी हैं, इन समस्याओं को आपको कैसे शेप किया, कैसे आपने परिवर्तन लाया,
सर अपने आप को निरंतर अपनी कर्तव्य पर चलते हुए प्रेरित किया है और समस्याओं को ना ध्यान देते हुए आगे बढ़ा है। आप में हीन भावना है? पक्का? नो सर। जी सर। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें हीन भावना न हो? क्या ऐसा कोई व्यक्ति बना है? सर हीन भावना व्यक्ति में किसी न किसी रूप में रहती है, इससे आप सहमत हैं? जी सर तो फिर आप में हीन भावना क्यों नहीं है? आपके पास आर्थिक समस्या है क्या? ये हीन भावना को जन्म नहीं दे रही है आपको? नो सर, इससे मैं हीन भावना से नहीं जोड़ता हूं। और दुनिया में सब लोग बराबर नहीं हो सकते हैं, और जो भी कमियां हैं हमारे पास उसको हम दूर कर सकते हैं। दुनिया में सब लोग बराबर नहीं हो सकते हैं, तो गैर बराबरी ईश्वर कर देता है। तो जी सर। ईश्वर के न्याय पर प्रश्न नहीं उठता आपको? नो सर। ईश्वर के न्याय पर आपको विश्वास है? उसने आपको गरीब बनाया, कमजोर बनाया, ईश्वर ने आपके साथ ठीक किया? सर, आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और मेरी जो भी स्थिति है मैं उसे पूरा पूरा भरोसा है मुझे कि मैं उसे बदल लूँगा, मेहनत से, ईमानदारी से। एक आईपीसी में कॉन्सेप्ट है फॉल्स एविडेंस का, क्या है वो? जी सर। क्या है वो? सर, फॉल्स एविडेंस में जब भी कोई व्यक्ति फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर, दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो फॉल्स एविडेंस क्रिएट करना, एक फॉल्स एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना। तो एक सर सेक्शन में गेस करना चाहूँगा, सेक्शन मिस कर रहा हूँ, 192 एंड 193 ऑफ द आईपीसी शायद इस चीज़ को डील करता है, और यही है सर। किन परिस्थितियों में आदमी को एविडेंस देना जरूरी है? जी सर। बताएं। हाँ सर कुछ सेकंड लेंगे हम। हाँ जरूर ले, जरूर ले। सर, जब जो आदमी जो एविडेंस दे रहा है जिस चीज के लिए, वो मैटर फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट हो, और वो 132 के तहत फॉल करता हो। क्या लीगली व्यक्ति बाउंड है एविडेंस देने के लिए? मैं कोर्ट हूं, मैंने आपको बुलाया एक एविडेंस देने के लिए, जी क्या आप सर। बाउंड हो देने के लिए? आप कह सकते हो मैं नहीं दूंगा? जी सर। बाउंड हो आप? सर, यदि व्यक्ति कोई ऐसा करता है, एविडेंस बुलाने पे एविडेंस नहीं देता है, तो कोर्ट उसके मुक्त? अगेंस्ट एक प्रिजम्पशन। जी आलोक, मेरा सीधा सवाल है कि मैं एक कोर्ट हूं, सर। मैंने आपको बुलाया एविडेंस देने के लिए, क्या आप बाउंड हो एविडेंस देने के लिए? आप बोलोगे मैं नहीं दूंगा एविडेंस? जी सर, बाउंड नहीं है सर। आप बाउंड नहीं हो? कोई ऐसा जी सर। प्रोविजन नहीं है कि आदमी लीगली बाउंड है एविडेंस देने के लिए? सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कल एक लोकसभा में बड़ा हंगामा हुआ विश्वास मत को लेकर, आपने शायद सुना होगा, पेपर बहुत उसको लिख रहे हैं कि जी सर। विश्वास, तो विश्वास मत कौन पेश करता है, किस लिए पेश करता है, क्या उसका लक्ष्य होता? जी सर। सर, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए लोकसभा का कोई भी सदस्य सरकार के खिलाफ एक बिल पेश करता है, जिसमें मैंने बिल की जी बात, मैंने बिल की बात तो की नहीं, मैं अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा हूँ। बिल की बात मैंने कहाँ कही? सर, अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है,
जिसमें कम से कम 50 सदस्यों का अप्रूवल होना जरूरी होता है पेश करने से पहले। और सर पेश करने के बाद बिल अगर पास हो जाती है, प्रस्ताव अगर पास हो जाता है, तो सरकार को अपना रिजिग्नेशन देना पड़ता है। और क्योंकि सरकार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इस वजह से उसको अपना बहुमत सदैव बनाए रखना होता है। तो कल जो अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, वो क्यों पेश किया गया था? सर जी, सर अपोजिशन को सर लगा कि सरकार बहुमत में नहीं है। ये तो लग नहीं रहा था, सरकार बहुमत में है। आप देखिए, संख्या बल सरकार के साथ है। आप जी देखिए, सर, कांग्रेस के पास कितने सांसद हैं, कांग्रेस सपोर्टर कितने सांसद हैं, बीजेपी के पास कितने सांसद हैं। ये तो है नहीं कि सरकार के पास संख्या बल का कोई कोई समस्या है। और बाद में उन्होंने मतदान में भाग भी नहीं लिया, मतदान को छोड़ भी दिया। जी सर, क्या जनता के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है? अच्छा, जी अविश्वास सर, प्रस्ताव की एक रूपरेखा क्या है? क्या है ये? क्यों ये लाया जाता है? इसका लक्ष्य क्या होता है? सर जैसा कि आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 बताता है कि सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और यदि उनको सरकार चलाना है तो लोकसभा में अपना अपनी सरकार का बहुमत बनाए रखना होगा। बिना बहुमत बनाए वो सरकार को जारी नहीं रख सकते। तो मेन पर्पस इसके पीछे सरकार को गिराना हो सकता है। अभी हाल में लोकसभा में क्या कोई नामांकित होता है, कोई कोई सांसद जी सर, कौन होता है? क्या सर 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नामांकित किए जाते हैं। उनको क्या वो प्रावधान अभी है? सर अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसको रिमूव कर दिया गया है, क्यों उनका रिमूव किया गया? क्यों रिप्रेजेंटेशन। क्यों रिमूव किया गया? सरकार ने सर ये पाया कि एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में अब जरूरी नहीं है। ऐसे कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं जो जी सर, संविधान के भाग 4 में नहीं है? जी ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो भाग 3 में नहीं है? ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं? अधिकार तो मूल अधिकार तो मूल अधिकार उस सेंस में मूल अधिकार नहीं बोलिए, ऐसे मूल अधिकारों के बारे में बात की जाती है वो भाग 3 में नहीं है। तो ऐसे नीति इस तत्व भाग 4 में नहीं है। सर एक तो राइट टू प्रॉपर्टी इस समय भाग 3 में नहीं है तो मूल अधिकार तो रहा नहीं है। और मूल अधिकार भी नहीं है। चलिए और बताइए इसके अलावा। इसके अलावा सर एक्सप्रेसली अगर कहें तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भाग 3 में नहीं है, यद्यपि कोर्ट के द्वारा इसे इसको आप पढ़िएगा, तैयार करिएगा। जी इमरजेंसी जो प्रोविजन लगाई जाती है उसका इफेक्ट क्या होता है? जो 352 होते क्या इफेक्ट होता है उसका? आप 3 इफेक्ट बता पाएंगे उसको? जी सर, इमरजेंसी प्रोविजन जो लगाई जाती है जी सर, आर्टिकल 352 के तहत, जी उसके आप 3 इफेक्ट बता पाएंगे? आप जी सर, बताएं। सर पहला इफेक्ट लेजिस्लेटिव पावर पे पड़ता है, जिसपे सर 1 सेकंड लेना चाहूंगा मैं। हाँ हाँ जरूर जरूर, आप 2 5 10 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए। पार्डन सर, नहीं आ रहा। नहीं आर्टिकल सर, 14 या 19 किसी तरह से इंपैक्ट होता है इमरजेंसी प्रोविजन के बाद? जी सर, कैसे होता है बताओ। सर आर्टिकल 359 स्पेशली डील करता है इसके बारे में। यदि इमरजेंसी लगी हुई है तो
तो ये दोनों आर्टिकल आर्टिकल 15 आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड किए हो जाते हैं। पक्का? जी सर, इसमें किसी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। आखिर 355 में प्रेजेंट का ऑर्डर की जरूरत होती है? आर्टिकल 358 में जरूरत नहीं होती है? सॉरी सर, आर्टिकल 358 359 में जो जिस बेसिस पर इमरजेंसी इंपोज होती है उस बेसिस को लेकर थोड़ा सा फर्क है कि जो फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड होते हैं उसमें थोड़ा फर्क है। आपको आइडिया है उसका क्या फर्क है? जी सर, बताओ क्या है। आर्टिकल 358 में एक ग्राउंड कम सिर्फ दो ग्राउंड पे इमरजेंसी जब लगी हो तभी वहाँ पे सस्पेंशन होता है। 359 में दो तीनों ग्राउंड पे इमरजेंसी लगी हो तो सस्पेंशन होता है। आप कोई एक्सेप्शन क्लॉज बता सकते हैं जो फंडामेंटल राइट लगता है? कौन सा आर्टिकल है जो एक्सेप्शन की बात करता है, फंडामेंटल राइट पे एक्सेप्शन की बात करता है, जो कंट्रोल करता है फंडामेंटल राइट में? जी सर, सर आर्टिकल 25 जो स्टार्ट ही होता है नेगेटिव टर्म से, आर्टिकल 25 कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पार्ट 3 राइट टू रिलीजन लोगों को पीपल को होगा जिसमें से राइट राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट ये सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं सर। 31A 31B 31C इसका कोई आइडिया है आपको? जी सर, क्या है वो? सर 31A राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में है, डील करता है। 31A 31B 31C एक्सेप्शन क्लॉज नहीं फंडामेंटल राइट का सर? है तो आपने अभी तो 20 आपने कुछ और बताया, ये क्यों नहीं बताया भैया आपने? अगर है तो आपकी हॉबी क्या है? सर गाना सुनना। कौन सा गाना सुनते हैं? कौन सुन रहा है आप? सर गजल और बॉलीवुड सॉन्ग्स। बताइए कोई कोई गजल, कोई गजल सुनाइए आप। आप गाते हैं या सिर्फ सुनते हैं? सर सुनते हैं सर, हॉबी पे अभी प्रिपरेशन करनी, हॉबी तैयार नहीं कर पाए हैं। हॉबी भी तैयार किया जाता है सर? हॉबी हॉबी से क्या मतलब समझते हैं आप? What do you mean by hobby? Hobby क्या प्रिपेयर की जाती है या अपने आप में ही वो आपकी पर्सनालिटी के साथ अनेक्ज होती है? सर डिसाइड नहीं कर पाए हैं अभी किस पे मुझे देना है ये। जसवाल जी आप नहीं नहीं या देखिए आपको मैं बता दूं कि आप पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने नहीं है, हम आपसे बीच बीच में इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई हमारा कन्वर्सेशन केवल आप इंटरव्यू दे रहे हैं हम इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मिक्स कर रहे हैं, ये मेस्टिक काम ना करिए नहीं तो वहां भी आपको मदद करने के लिए कोई नहीं होगा। आप पूरी रियलिटी ऑनेस्टी के साथ भी सीरियसली आप वो करिए, आप ऐसे वहां बता पाओगे तो यहाँ बताओ कि हॉबी तैयार नहीं कर पाया हूं। आपको बात समझ में आ रही है? जी सर, जी सर। हेलो जी सर, क्या आप अभी मान के बैठे हो कि आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हो? भाई तो हम कैसे आपकी मदद कर पाएंगे?
आपके पर्सनालिटी में इंटरव्यू के लिए और क्या फोकस करना चाहिए, या इस चीज को कैसे इंप्रूव करेंगे? आप क्या वहां बोल पाओगे कि अभी हाँ भी मैंने नहीं तैयार कर पाया? नो सर, देन तो आप बताओ, हावी है तो है, नहीं तो बताओ, उसका कोई एक सुटेबल आंसर ढूंढो। आपकी जो हावी है, आप समझ पा रहे या नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो ये है। तो अब अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हो, तो आप ये समझ लो कि आपका इंटरव्यू में, आप बोर्ड में बैठे हो। ओके, तो ओझा सर, हाँ, अब आप, शुरू करो, मेरा हाँ, हो गया। मैं आलोक जी, अभी तक तो लग रहा है कि आपको आर्टिकल और प्रोविजंस वगैरह तो काफी अच्छी जानकारी है, तो क्या आप केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आए हैं? नो सर, तो क्या क्या पढ़ के आए हैं आप? सर अभी सीबीसी पढ़ा हुआ है और सीपीसी पढ़ा है? सीपीसी पढ़ के आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, और बाकी आपको नहीं आता? नहीं सर, पढ़ा सब हुआ है, रिसेंटली सीपीसी भी पढ़ा है। ओके, तो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में आपका इंटरेस्ट है कोई? जी सर, है। आप प्रैक्टिस में हैं, लीगल प्रैक्टिस में कब नो पास सर, आउट हैं आप? सर 2 LLM मेरा भी 2022 में कंप्लीट हुआ। 2022 में है, और 2022 किस मंथ में आपका कंप्लीट हुआ है? सर अगस्त अगस्त महीने में सर। अगस्त 2022, और ये अगस्त 2023 है। इस साल भर में आप क्या कर रहे थे? सर साल भर में प्रिपरेशन कर रहे थे जुडिशरी का और एग्जाम आप दिया। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो उस स्ट्रगल, इकोनॉमिक फ्रंट के स्ट्रगल को दूर करने के लिए इंडिविजुअल आपका कोई कंट्रीब्यूशन है अपनी फैमिली में? आप ला कर चुके हैं, प्रैक्टिस करके 2 पैसे कमा के दे सकते थे, आपने कुछ और किसी तरीके से मदद की उनकी? जी सर, अभी एग्जाम के दौरान ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप पैसा कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, इसके लिए अर्न कर सके, कि बजाय प्रिपरेशन कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप आगे चल के एबल होंगे और आप ज्यादा अच्छा उनको कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ज्यादा पैसा कमा लेंगे इसमें, जज बन जाएंगे, तो ऐसा ही है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक पहला तो पैशन है मेरा जुडिशल ऑफिसर बनना और उसको फॉलो कर रहा था। ओके, तो आप एलएलएम करके टीचर भी तो बन सकते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं, क्यों सिविल जज बनना चाहते हैं आप? आलोक जी, जी सर, सर आप मेरा सिविल जज क्यों बनना चाहते हैं? इंटरेस्ट जब मैं क्लास 12th में था तब से सिविल जज बनने में रहा है और तब से मैं उसे फॉलो ओके कर रहा okay. हूँ सर। कैसे कैसे फॉलो कर रहे हैं आप, किस तरह से फॉलो कर रहे हैं आप, सर मैंने क्या है? आपने कहा कि क्लास 12 में से ही आपका इंटरेस्ट था और आप फॉलो कर रहे हैं, ये जो फॉलो करने का जो ग्राफ है, थोड़ा शॉर्ट में समझा पाएंगे? जी सर, सर मैंने 12th के बाद इसके लिए जो रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन है मैंने BLLB की। उसके दौरान सर BLLB कंप्लीट होने के बाद सर कोरोना पीरियड आ गया, फिर वैकेंसी नहीं आई। उस दौरान मैंने LLM किया और फिर मैं सर वैकेंसी आ गई, फिर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ अभी। तो आपने सिलेबस विशेष जे का तो BA LLB के समय ही देख लिया होगा, और आपको अच्छी तरह पता होगा कि सिलेबस में क्या क्या है, जी सर, बहुत पहले से ना?
जी सर। तो मेरे ख्याल से आपके पास अच्छा टाइम था, तो आपको तो सारे सब्जेक्ट बिल्कुल उस पे फिंगर टिप्स पे रहने चाहिए, है ना आलोक? जी सर। अच्छा, ये आपके जनरल स्टडीज में कुछ सोशल रेवलांस रिलेवेंस से रिलेटेड सामाजिक मुद्दों पे कुछ लेजिस्लेशन है, कुछ एक्ट है, जी सर। उनमें 3 एक्ट का पूरा नाम बताइए। जी सर। सर पहला तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पूरा एक्ट का नाम? सर ईयर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपने बताया, जी सर। बता देते हैं, चलो आप बताओ पूरा नाम। चलो दूसरा बताओ इसको, चलो डोमेस्टिक वायलेंस छोड़ दो, दूसरे एक्ट का नाम बताओ। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, दूसरा है पॉक्सो जिसको कहते हैं सर, और पाक्सो, क्या बताया पाक्सो का आपने पूरा नाम? प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ ऑफ सेक्सुअल, पूरा बताइए, एक एक वर्ड बताइए। पाक्सो, POCSO। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। रिकॉल नहीं, चलो तीसरा बताइए। कुछ बड़े बुजुर्गों के लिए भी कोई एक्ट है क्या उसमें? जी सर। उस एक्ट का नाम बताइए। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट करके है सर। फॉर होम, किसके पेरेंट्स लिए? एंड सीनियर सिटीजन्स, पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस। वो किस साल का है? नहीं पता। रिकॉर्डिंग। ओके, क्या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी है उसमें? जी सर। वो किस वर्ष का है? 2005 का है सर। 2005 का है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, या 1961 का है? सर डोमेस्टिक वायलेंस 2005 का है, ये 1961 का है। ओके अच्छा, पीछे से आप रिकॉल कर रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको आता है लेकिन आप बता नहीं पा रहे? पढ़ा होगा आपने जी सर पढ़ा ड्यूरिंग है। प्रिपरेशन। जी सर। अच्छा ठीक है, एक रेंट कंट्रोल एक्ट भी आपके उसमें है क्या, आप सिलेबस में? रेंट कंट्रोल एक्ट, उस एक्ट का नाम बता दीजिए। बहुत बार इंटरव्यू बोर्ड में बच्चों से पूछा जाता है, आपने तो बाहर बच्चों से पूछा होगा, इंटरव्यू देने वालों से, तो आपने सुना होगा कि रेंट कंट्रोल का पूरा नाम पूछा जाता है, तो आपको तो पता होगा। ये आपके सिलेबस में है? जी सर। यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट ऐसे करके हैं सर। कुछ लेटिंग वर्ड भी है क्या उसमें? ये भी नहीं आता है। ओके कोई बात नहीं। अच्छा आईपीसी का पूरा नाम बता दीजिए। सर इंडियन पेनल कोड 1816। 1860, गुड। सीआरपीसी का? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ओके, जैसे आपने ये बताया वैसे वो भी बता सकते थे, यानी उनको आपने इंपॉर्टेंट नहीं समझा उन एक्ट को। अच्छा सीपीसी, आप पे तो बहुत पढ़ के आए हुए हैं, सीपीसी कब से अप्लीकेबल है उसके प्रोविजन?
सर 1 जनवरी 1909 से। वेरी गुड, कितने ऑर्डर है उसमें? सर 51। 51। ये क्यों बटा हुआ है ये ऑर्डर रूल और सेक्शन में? सर कन्वीनियंस पर्पस के लिए, ताकि बेहतर तरीके से आदमी समझ सके। तो सेक्शन और ऑर्डर में क्या फर्क है? सेक्शन सर सब्सटेंटिव पार्ट शो करता है उसका, और रूल्स सर हाई कोर्ट और रूल उसको सप्लीमेंट करता है, सप्लीमेंट करता है उसी के जो मेन टारगेट है उसको वो करने के लिए। इंटर प्लीडर सूट ये सेक्शन में है या ऑर्डर में? ये इसका दोनों जगह कहाँ पे है सर? सेक्शन 88 इंटर प्लीडर सूट से डील करता है, और ऑर्डर 35 उसके बारे में 5 रूल्स बताते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो प्लीडिंग होता है, प्लीडिंग हमने अपना केस तैयार किया, प्लेन फाइल कर दिया कोर्ट में सिविल जज के सामने, अब मेरा मन है कि हम उसमें कुछ अमेंड करें, तो हम जब मन करेगा उसको अमेंड करके कोर्ट में डाल देंगे, कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी, क्या ऐसा प्रोविजन है? सर अमेंडमेंट का जब हमारा मन करे। जी सर। आप सर, मेरी बात सुन लिया आपने? जी सर। अब बताइए। सर सर एक सेकंड लेना चाहूंगा मैं। सर ऑर्डर सिक्स रूल 17 और 16 इस बेसिकली डील करते हैं इसके बारे में, और अमेंडमेंट ट्रायल शुरू होने के पहले ही पार्टीज कोर्ट के परमिशन से अपने प्लीडिंग में कर सकती हैं। और पहला 16 कहता है, जो 16 है वो कंपल्सरी अमेंडमेंट से डील करता है, और 17 पार्टीज। आपने बताया कि कोर्ट से परमिशन लेके आप कर सकते हैं अमेंडमेंट, राइट? ये बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या था कि हमने प्लेट फाइल किया और हमारा जब मन करे हम उसमें अमेंड कर देंगे और कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसा है? कोर्ट देखेगी कुछ उसमें कि अमेंडमेंट जेन्युइन है या नहीं है, कर सकता है या नहीं कर सकता है? सर उसके लिए क्राइटेरिया तो आप इसका जवाब देना चाहिए था आपको। प्रोविजन तो आपने बता दिया, ऑर्डर 6 रूल 17, ठीक है, तो इस तरह से करके 16 17 जो भी है, ठीक है, 7 तीन जगह ऑर्डर 6 रूल 7 16 17, ये पढ़ने वाले लोग जानते हैं, इन्हीं में से कुल मिला के वो सब कर लेते हैं। लेकिन बात क्वेश्चन सिर्फ इतनी थी कि जिस तरह से प्लेन फाइल किया उसने और जब उसकी मर्जी होगी उसको अमेंड कर देगा, ये क्या कोर्ट इसको इनकरेज करेगी या बताएगी कि थ्रू प्रॉपर चैनल आइए? नो सर, जब तक कि अमेंडमेंट रियल मैटर इन इशू को निकालने के लिए नहीं को शो करने के लिए ना हो, उसके लिए जरूरी ना हो, तब तक कोर्ट अलाउ नहीं करेगी, और उसके पीछे बोनाफाइड। अच्छा ये चलिए ठीक है, सीपीसी तो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने एलएलएम में भी वो सब किया है, आप हमको थोड़ा सा ये सेटिस्फाइड कर बता दीजिए, मेरी जानकारी को इनलार्ज कर दीजिए कि ये इनहेरेंट पावर सिविल कोर्ट को क्यों दिया गया और क्यों, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन भी, क्यों ये क्रिमिनल कोर्ट को नहीं दिया गया? जी सर, सर इनहेरेंट पावर कोर्ट को दिया नहीं गया है, कोर्ट के पास ऑलरेडी था, उसे सिर्फ एक्नॉलेज किया गया है और सेव किया गया है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट का भी पर्पस जस्टिस करना है। कोर्ट में जितने भी रूल और सेक्शंस हैं उनका बेसिक इंड जस्टिस पे ही फोकस है, और कोर्ट का भी पर्पस जस्टिस करना है, तो कहीं कि और लेजिस्लेचर हमेशा हर चीज़ों को अपने दिमाग में
कैलकुलेट नहीं कर सकता, फ्यूचर की चीज़ों को सोच नहीं सकता। इस वजह से ये जरूरी समझा गया कि कोर्ट के पास कुछ ऐसी पावर सेव की जानी चाहिए जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए ज़रूरी हो। इसलिए सिविल संहिता में सारे कोर्ट्स को, जूनियर से लेके सीनियर और हाई कोर्ट तक, सबको इनहेरेंट पावर सबके लिए सेव किया गया। व्हाट अबाउट क्रिमिनल कोर्ट? जी सर, 482 क्रिमिनल सीआरपीसी डील करता है इसके बारे में, इनहेरेंट पावर के बारे में। वो वहाँ पे सिर्फ हाई कोर्ट को मिली है इनहेरेंट पावर, सेव की गई है, वो भी 3 ग्राउंड पे। सर ये हाई कोर्ट को सिर्फ सर इसलिए दी गई है क्योंकि सर क्रिमिनल में, क्रिमिनल कोड में लोगों के पर्सनल लिबर्टी की बात होती है, अरेस्ट, बेल, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ों की बात होती है। तो लोगों की पर्सनल लिबर्टी पे ज़्यादा फोकस करते हुए लेजिस्लेचर ने ये समझा कि उच्च न्यायालय को ही सिर्फ उनका इनहेरेंट पावर ही सेव किया जाए क्योंकि वहां पे पर्सनल लिबर्टी की बात है। यानी दोनों जगह सिविल कोड बनाते समय जो लेजिस्लेचर्स थे उनके माइंड में था कि सारी चीजें हमारे दिमाग में नहीं हो सकती है, तो भाई इन कोर्ट पे के पास विजडम है उस पे छोड़ दो, और क्रिमिनल कोर्ट में ये लगा कि नीचे के जो इन्फीरियर क्रिमिनल कोर्ट हैं उनके पास विजडम उतना नहीं होता है, इसलिए हाई कोर्ट को दे दो। आपका मतलब यही है सर? विजडम के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, ज्यादा किसी भी कोई भी गलत चीजें ना हो, इस चीज से बचने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा। आप ये बताओ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी ये इनहेरेंट पावर मिला हुआ है? जी सर, सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, क्या सुप्रीम कोर्ट को भी ये पावर एक्सरसाइज करता है? जी सर, सर आर्टिकल 142 स्पेशली डील करता है इसके बारे में। वो लिखा है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट हैव इनहेरेंट पावर टू, इस तरह की कुछ है लाइन उसमें? सर इनहेरेंट पावर वर्ड नहीं यूज हुआ है, कंप्लीट जस्टिस वर्ड यूज हुआ है। कंप्लीट जस्टिस के लिए इनहेरेंट पावर का भी पर्पस फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस ही है, और कंप्लीट जस्टिस यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है सर कि उसके यू मीन के 142 एक तरह से इनहेरेंट पावर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, राइट? यू मीन ना? जी सर। क्या 142 के बजाय हम इधर उधर के कहीं और भी देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इनहेरेंट पावर जैसा कुछ ऐसा दिखता हो? आप अपने स्किल से बताइए, कोई स्टेब्लिश ला या मैं उससे कोर्ट केस से नहीं पूछ रहा हूं, आपके अपने स्टडी और व्यूज में कहीं और भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपने इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज करती है? जी सर, जी आर्टिकल 129 जो कि रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने के लिए एक तरह से इनहेरेंट पावर ही है। और सर स्पेशल लीव पिटिशन भी, उसको भी कंसीडर कर सकते हैं इनहेरेंट पावर में, और रिव्यू के मैटर को। ओके, आप 129 में, क्या 32 आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट इनहेरेंट पावर यूज नहीं करती है? आपने बताया है कि इनहेरेंट पावर यदि एक्ट में ना लिखा हो तब भी कोर्ट जस्टिस के लिए उस पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। आप 151 के और सीपीसी के रेफरेंस में ये बात आपने कही? जी सर, राइट? जी सर। तो
आर्टिकल 32 तो बहुत बड़ा है, देखिए उसमें तो पीआईएल वगैरह पता नहीं क्या क्या है, सब तो इनहेरेंट पावर ही है। ऐसा आपको लगता है कि वहां भी इनहेरेंट पावर यूज सकती है सुप्रीम कोर्ट? सर आर्टिकल 32 को लिमिटेड सेंस में देखते हैं, वो पार्ट 3 को ही डील करता है सर सिर्फ, और उसमें कोई भी ऑर्डर डायरेक्शन और बहुत 4-5 रिट्स कोर्ट ये सारी चीज़ें इशू कर सकता है और अपनी प्रोसीडिंग तय कर सकता है कि किस प्रोसीडिंग से ये सारी चीज़ें चलेंगी। नहीं नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये बात सही है भाई, इनहेरेंट पावर हो तो पूरा हो, केवल फंडामेंटल राइट से थोड़े होगा, लीगल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और भी तो ये लीगल राइट और प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं, लीगल राइट और इसमें फंडामेंटल राइट में क्या फर्क है? जी सर, सर फंडामेंटल राइट बेसिकली पार्ट 3 में प्रोवाइडेड है, जिसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन लीगल राइट के केस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, उसके लिए हम चैनल के थ्रू ही जा सकते हैं किसी भी लीगल राइट के वायलेशन में। पहला डिफरेंस सर यही है। दूसरा सर, फंडामेंटल राइट ह्यूमन के लिए बेसिक्स होते हैं, इन एलियनेबल होते हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता, ह्यूमन से दूर नहीं किया जा सकता, और लीगल राइट सर उससे हटके हैं। अरे भाई जो कि उठते हैं आर्टिकल 20 और 21 के अलावा बाकी फंडामेंटल राइट्स को तो आर्टिकल 358 और 359 में आपके तो बहुत तो कुछ हो किया जा सकता है, गवर्न किया जा सकता है, छीना जा सकता है। तो फिर जो आप ये बता रहे हैं कि ये डिफरेंस क्या यहाँ पे अप्लीकेबल है? सर ये एक्सेप्शन केस है, ऐसी स्थिति इमरजेंसी में ही सिर्फ हो सकती है, इमरजेंसी में ऐसा हो सकता है सर। अच्छा, एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि फंडामेंटल राइट का कंप्लीट एक्सेप्शन है, वहां एक बट नहीं है, वो आर्टिकल आप बता सकते हैं ढूंढ के कहां पे है प्रोविजन ये? सर ये करूंगा, मुझे दो आर्टिकल के बीच में डाउट है सर। आर्टिकल 33 या 34 सर, जिसमें मार्शल लॉ की बात की गई है। 31B सुना है आपने, पढ़ा है कभी? जी सर, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। यदि उसमें हम तो 31B आपको नहीं लगता है कंप्लीट एक्सेप्शन है उसका? सर 1973 24 अप्रैल के बाद से सर कंप्लीट एक्सेप्शन नहीं रहा है 31B, केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद से, उसको बेसिक स्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड पे तोला जा सकता है। बहुत बढ़िया, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। कम वाव, केशवानंद भारती, कई जजेज ने डिसाइड किया था इसको? सर 13 जजेस की बेंच थी, केशवानंद भारती 13 जजेस की थी, और गोलकनाथ में? पार्डन सर, रिकॉल नहीं। गोलकनाथ केस का नाम सुना है आपने? जी सर। उस वो केस कितने जजेस ने डिसाइड किया था? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी, रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये जो 13 जजेस ने डिसाइड किया था केशवानंद भारती में, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ, इसके फेवर में कितने जजेस थे 13 में से? सर 7 जजेस थे। 7, यानी कि तब तो 7-6 से डिसाइड हुआ, राइट? जी सर। तो 7 जजेस ने मिलके ये बना दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पे किसी भी अमेंडमेंट को उड़ाया जा सकता है, और पार्लियामेंट को जो अमेंडमेंट की पावर है उसकी सीमाएं बात थी। क्या लगता है आपको, ये सही है या गलत? जी सर,
मुझे ये सही लगता है क्योंकि सर अमेंडमेंट एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं हो सकता है। अमेंडमेंट का मतलब सिर्फ संशोधन होगा, ना कि एब्रोगेशन होता है। कोर्ट ने एक तो ये बात कही और दूसरी बात ये कही कोर्ट ने कि हमेशा हर स्थिति में लेजिस्लेचर जो है लोगों की विल को रिप्रेजेंट नहीं करती है। उसमें उन्होंने एग्जांपल भी इंदिरा गांधी के समय भी दिया। इंदिरा गांधी के समय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, बाद में अगले बाद तुरंत चेंज किया गया जैसे ही सरकार बदली। तो सर सही लगता है मुझे बेसिक। चलिए बहुत अच्छा। एक दो क्वेश्चन के बाद अभी सर के पास जाएंगे आप, आपका तो बहुत नॉलेज बहुत अच्छा है और पैशन भी है आपको काफी समय से। तो इस बीच में आपने अपने को आपने असेस किया होगा, हमको कन्विंस करिए कि क्यों हम आपको सिविल जज के रूप में सेलेक्ट करें। जी सर। सर जैसा कि मैं समझता हूँ कि एक सिविल जज के अंदर जो भी क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसा कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटीज कुछ ना कुछ मेरे अंदर हैं और मैं धीरे धीरे प्रतिदिन मैं उसे डेवलप कर रहा हूँ अपने अंदर। और इसी वजह से सर मुझे सिलेक्ट किया जाना चाहिए। आप प्रतिदिन डेवलप कर रहे हैं तो आप में सुधार की बड़ी संभावना है। आप सिविल जज बन जाएंगे तो उसके भी 10-20 साल तक ये चलता रहेगा। तो हम लोग कुछ दिन और वेट ना करेंगे, फिर आपको देख लें कि अब आपका ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है कहीं रुक गया है, अब आप परफेक्ट हो गए हैं। सर आदमी कभी परफेक्ट नहीं होता है और सुधार की संभावना सर हमेशा बनी रहेगी। चलिए बहुत बढ़िया। आप पूजा सर, अनु सर, आप लोग जी जो है तो बाद में करते हैं क्या फीडबैक है, अनु सर को ले लेंगे जी। ठीक आलोक जी सर, एज यू मेंशन यू हैव कंप्लीटेड योर एलएलएम में आपका जो डिसर्टेशन था किस टॉपिक पे था सर? इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे था जी सर। ओके, ज्यूरिसप्रूडेंस भी पढ़ा होगा आपने जी सर। मुझे बताइए कि पोजीशन के दो एलिमेंट्स क्या हैं, बेसिक एलिमेंट्स, कब्जा। जी सर। सर एक तो एनिमस पसिडेंडी और इंटेंशन होना चाहिए पोजीशन का, और एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन होना चाहिए, दोनों चीजें जरूरी। मींस एक तो इंटेंशन होना चाहिए पोजीशन के लिए और दूसरा एक्चुअल में पोजीशन भी होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन एक्चुअल में पोजीशन होना चाहिए? इनफैक्ट पोजीशन होना चाहिए। मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं काइंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। पोजीशन के लिए दो मूलभूत आवश्यक तत्व क्या है? सर अभी एक याद आ रहा है, एनिमस पसिसेंडी करके है। पोजीशन इन फैक्ट क्या? जी सर, पोजीशन इन लॉ, पोजीशन इन फैक्ट। जी सर, पोजीशन इन लॉ उसे कहते हैं जब लीगली आप पोजीशन के लिए इंटाइटल होते हैं। इसमें ये मैटर नहीं करता कि एक्चुअली फैक्चुअली आपके पास चीजों का पोजीशन है या नहीं है। आपके बिहाफ पे कोई और भी आपकी चीजें पजेस कर सकता है, लेकिन तब भी आप लीगली इन लीगली पोजीशन में माने जाएंगे। और पोजीशन इन फैक्ट का मतलब कि
एक्चुअली में आपके पास वो चीजें हैं, पोजीशन में है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इमीडिएट पोजीशन और मीडिएट पोजीशन क्या होता है? इमीडिएट पोजीशन में पर्सन डायरेक्टली खुद पजेस करता है चीजों को, और मीडिएट पोजीशन में किसी के बिहाफ कोई दूसरे के बिहाफ पे चीजों को पजेस करता है। जैसे मेरा सर्वेंट मेरी कोई चीजें रखे तो उसे इमीडिएट पोजीशन कहेंगे। इमीडिएट पोजीशन कैन बी ट्रांसफर? जी सर। क्या तरीके हैं इमीडिएट पोजीशन के ट्रांसफर के? सर एक तो डिलीवरी है और एक्विजिशन है। ओके, रिसेंटली यू हैव स्टडीड अबाउट द सीपीसी। जी सर। व्हाट इज फॉरेन जजमेंट? जी सर। सर सेक्शन 2 का सब क्लास 5 फॉरेन जजमेंट को डिफाइन करता है। अ जजमेंट व्हिच हैज बीन मेड बाय द फॉरेन कोर्ट इज कॉल्ड फॉरेन जजमेंट। When the foreign judgment is a conclusive? जी सर। सेक्शन 14 सॉरी सर सेक्शन 13 इसके बारे में डील करता है कि जब फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होंगे, फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होंगे एक्सेप्ट 5 कंडीशन में, जबकि वो अच्छे 6 कंडीशन में। सर पहला कि मेरे कंपिटेंट कोर्ट ने नहीं दिया है जजमेंट को, मेरिट पे डिसाइड नहीं हुआ है, नेचुरल नेचुरल कंक्लूसिव होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होंगे ऐसी स्थिति में। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? ऐसी स्थिति नहीं होगी तो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ सर। मेस ने प्रॉफिट क्या होता है? जी सर। सर सेक्शन 2 सब क्लास 12 में मिस ने प्रॉफिट डिफाइंड है, जिसमें सर एक रॉन्गफुल पजेसर जब किसी प्रॉपर्टी को पजेस करता है, वो उस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट एक्चुअली अर्न करता है या वो रीजनेबल डिलीजेंस दिखा के अर्न कर सकता था और उस पे इंटरेस्ट, ये तीनों चीज़ें एक मिस ने प्रॉफिट कहलाएंगी। और इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट जो कि रॉन्गफुल पजेसर के द्वारा किया गया है उस पे उसके द्वारा प्रॉफिट कमाया गया है वो इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी बोथ? जी प्रॉपर्टी है वो दोनों को शामिल करती? जी सर। मैंने आपकी एक कार जो है वो ले करके उसे टैक्सी में लगा दिया है और उससे अर्निंग मैं कमा रहा हूँ, तो ये जो बेनिफिट मुझे मिल रहा है ये मेस ने प्रॉफिट है? जी सर। नेक्स्ट मुझे बताइए कॉमन इंटेंशन क्या है, इसे रूल ऑफ एविडेंस क्यों कहा जाता है आईपीसी में? जी सर। सर कॉमन इंटेंशन बेसिकली 34 आईपीसी में डील किया जाता है और ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के लिए होता है जब, और ये स्पेशल कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है, ये एक रूल रूल बताता है कि जिसमें दो कल्प्रिट साथ में कोई एक काम करे, कोई एक गलत काम करेगा उसके भी उसकी जगह उसकी वजह से किसी दूसरे को दूसरा भी लाइबल होगा, जो कि कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के तहत आता है। ये बेसिकली कहता है सर कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, सर एक सेकंड रिकॉल करने दीजिए सेक्शन को। जी सर। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और किसी ऑफेंस को करते हैं तो सर सबकी लायबिलिटी बराबर होती है उसमें।
कॉमन इंटेंशन के साथ करते हैं तो सबकी लायबिलिटी बराबर। आपने कहा कि कॉमन इंटेंशन के आधार पर पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, आईपीसी में कहीं ऐसा कोई सेक्शन है जहां पे कॉमन इंटेंशन को पनिशेबल बनाया गया है? जी सर, सर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें कि मेयर एग्रीमेंट ही पनिशेबल होता है। मेरा क्वेश्चन आपने नहीं समझा, द टर्म कॉमन इंटेंशन जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं यूज हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पूरे आईपीसी में ऐसी कोई सेक्शन है जहां पे कॉमन इंटेंशन को पनिशेबल बनाया गया है? जी सर, मैं गेस कर सकता हूँ सर। ओके सर, डकैती के केस में पॉसिबल है। अब कॉमन इंटेंशन है क्या? What is the meaning of common intention? सर, मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए कॉमन इंटेंशन में, प्रायर कंसल्ट होना चाहिए इनके बीच में, दो लोगों के बीच में जो कॉमन इंटेंशन में अपराध कर रहे हैं। तो डकैती में तो पांच लोग होने चाहिए, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, डकैती में सिर्फ पांच हैं। तो क्या सभी का कॉमन इंटेंशन होना जरूरी है डकैती के केस में? जी सर, सर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी कॉमन इंटेंशन होना जरूरी है? जी सर। चलिए, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, पाकिस्तान से मैंने फोन किया मुंबई में और मुंबई में मुझे बम ब्लास्ट करना है। मैंने वहां पे ए को मैंने इस बात की इंफॉर्मेशन दी, ए उसके लिए केरला में फोन करता है सी को कि वो पैसे को कलेक्ट करे और वहां से गन या बारूद की व्यवस्था करे, लेकिन यहाँ पे जो सी केरला में है उसे ए के बारे में नहीं पता है जो पाकिस्तान में, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा कि नहीं होगा? सर, ये अबेटमेंट में आएगा सर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएंगे कि नहीं आएंगे तीनों यदि ऑफेंस कमिट हो रहा है तो? नो सर। ओके, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं आएंगे। ओके, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और कॉमन इंटेंशन में फर्क क्या है? सर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इटसेल्फ पनिशेबल है एज ए सब्सटेंटिव ऑफेंस, कॉमन इंटेंशन सर एक रूल ऑफ एविडेंस है 34 में, सेक्शन 34। कॉमन इंटेंशन और अबेटमेंट में क्या फर्क है? जी सर, अबेटमेंट में सर, सर अबेटमेंट एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है और कॉमन इंटेंशन रूल ऑफ एविडेंस है, और अबेटमेंट पे अबेटर अबेटेड पर्सन वो ऑफेंस करे या ना करे ये मायने नहीं रखता। और तो कॉमन इंटेंशन के आधार पे कहां बताया गया है कि वो ऑफेंस करे ही करे? चलिए, हो गया सर। सर थैंक यू सर। चलिए फीडबैक स्टार्ट करते हैं। आलोक, आपका पिछले बार की तुलना इस बार बहुत ज्यादा अच्छा था, यू हैव ट्रेमेंडसली इम्प्रूव, बहुत इम्प्रूव किया आपने, आपके नॉलेज पे बहुत ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम है, नॉलेज आपका ठीक है, थोड़ा आप गेस कम करिए। और आप अक्सर बोल देते हैं लेट मी रिकॉल, मुझे रिकॉल, एक आध बार दो बार ठीक लगता है, लेकिन आप पूरे इंटरव्यू अगर 10 बार बोलते हैं कि लेट मी रिकॉल तो अच्छा लगता नहीं है, तो थोड़ा इसको आप लेट मी रिकॉल आप कंट्रोल करने की कोशिश करिए। पहला जो इशू आया कि हीन भावना है या नहीं है आप में, किस तरह है यार आलोक, क्या है, हीन भावना व्यक्ति में होती ही होती है, ऐसा व्यक्ति बहुत कम होगा, न के बराबर होगा जिसमें हीन भावना न हो।
तो एक ब्लैंकेट बात कह देना थी। आपने शुरुआत किया कि आपके पिताजी के पास 4-5 बीघे खेत हैं, मेरे पास आर्थिक समस्याएं हैं, मेरे पास हेल्थ इश्यूज हैं, तो आपने जीवन की अपनी कमियां पहले कह दी। उसके बाद मैंने हीन भावना का प्रश्न उठाया, आपने कहा मेरे पास कोई हीन भावना है। जिसके पास एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, हीन भावना होती है, उसको इतमान से आज रात को सोचेगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं, हीन भावना आएगी आएगी ना। फिर मैंने क्या बोला कि ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है, ईश्वर ने न्याय नहीं किया है, तो भी आपके पास आएगा ही आएगा ना। ये मैंने कहा आप हीन भावनाओं को ब्लैंकेट स्वीकार करिए, लेकिन ये कहा जाए कि आपकी हीन भावना किस तरह की, आप उसको कंट्रोल बोलिए कि सर कुछ ना कुछ आदमी को जीवन में रिक्तता का एहसास होता ही है, लेकिन वो रिक्तता का एहसास कई बार आपकी शक्ति होती है, आपकी ताकत होती है। तो मैं एक सामान्य परिवेश में पैदा हुआ, मेरे पास आर्थिक समस्याएं थी, मैंने उसको चुनौती के रूप में लिया, मैं संघर्ष करता रहा। आप इससे बात करके शायद बेहतर बात, आप खुद इसको सोचिएगा कि ये बेहतर है किस तरह है, तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं, तो शायद कुछ बेहतर होती है और ज्यादा बेहतर आते हैं। जो एविडेंस का सवाल था, आईपीसी का सवाल अच्छा था। अब आपने बिना मतलब क्या किया, आपने गेस कर दिया सेक्शन 191 192 में आप कंफ्यूज कर गए। आप जब नहीं श्योर हो छोड़ दो ना, क्यों बोल रहे हो, हमने तो पूछा भी नहीं था। जो नहीं पूछा गया है उसको उत्तर क्यों देने का, जब एग्जामिनर खुद ही नहीं पूछ रहा है कि आप सेक्शन बताओ कि ना बताओ, तो क्यों बता रहे हो उसमें, वो भी जब आप श्योर नहीं हो। आप सिंपल सब बताते उसको, आप बता ठीक रहे, थोड़ा और अच्छा बता सकते थे, या बता ठीक रहे थे। जैसे आपने एक बात गलत बोल दी कि मैंने बोल दिया कि क्या आदमी एविडेंस देने के बाद अगर, बिल्कुल बाध्य नहीं है, बाध्य है। अगर कोई प्रोविजन ऑफ लॉ है, ओथ पर आप जा रहे हो, लीगली बाउंड, तो आप बाध्य हो। तो आप उत्तर देते समय एक, देखिए एक बात बहुत कॉमन सेंस, ये उत्तर बगैर लॉ जाने कॉमन सेंस से दिया सकता है। इस तरह की बात करना कि बात कि व्यक्ति एविडेंस के लिए बात नहीं है, ये अपने आप में ही गलत लगता है। अगर इसको स्वीकार कर लिया जाए तो समाज की व्यवस्था चल ही नहीं सकती है। इस तरह से कानून बनाए जाते हैं कि व्यक्ति के पास बाध्यता हो। जैसे कहा गया कि क्या कोई व्यक्ति एविडेंस के लिए बाध्य होता है, आपको तुरंत आना चाहिए कि यार ऐसा प्रॉब्लम तो लॉ में होगा ही होगा। अगर आपने ओथ ले लिया तो आप बाध्य हो, कोई प्रोविजन ऑफ लॉ एक्सप्रेस बोलता है आप तो आप बाध्य हो। इसमें लॉ पढ़ने कोई जरूरत नहीं थी, ये आप कॉमन सेंस से आंसर का आंसर आप कर सकते थे। आपका फेशियल एक्सप्रेशन काफी इंप्रूव किया पिछले बार की तुलना में। जो कल सौरभ ने राय दिया है सब, वो राय सबके लिए है कि आप शीशे में अपने को देखें, अपनी आंख को शीशे में टिकाएं। ये हम सबसे कराते ही हैं, जो हम आपको राय दे रहे हैं हम सबसे कराते ही हैं। दूसरा, आप बहुत ज्यादा पॉज लेते हो, जब कोई सवाल पूछा जाता है आप बहुत पॉज नहीं लेते हो, उस पॉज को भी हल्का सा आप कंट्रोल करने की कोशिश करो। जो आप बोलते हो मैं गेस करता हूं, क्या सर इसको नहीं कहने का, गेस करना ही नहीं है, बार बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं। द डे वी स्टार्टेड द इंटरव्यू मॉक वी आर सेइंग टू एवरी एस्पायरेंट देयर इज नो गेस वर्क, जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेस करना है आई वॉन्ट टू गेस, इट शोज इम्परफेक्शन इन द पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी का धनात्मक पक्ष नहीं शो करता है। कॉमन इंटेंशन वाला सवाल जो था थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था, बड़ा ये पॉपुलर सवाल है, बहुत सामान्य सा सवाल है, लॉक जो और आना चाहिए था। मुझे आपके नॉलेज में बहुत शिकायत नहीं है, नॉलेज ठीक है आपका, सवाल जो मैंने पूछे थे काफी डिफिकल्ट सवाल थे, वो जैसे फंडामेंटल राइट कॉज से पार्ट 3 में नहीं है, ये डीडी वसु किताब में लिखा हुआ है। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ डीडी वसु किताब जो पढ़नी चाहिए, लॉ वाले जनरली पढ़ते हैं, जे एन पांडे या वी एन शुक्ला जनरली पढ़ते हैं, वो किताब लॉ के लिए ज्यादा अच्छी है। लेकिन मैं बोलता हूँ डीडी वसु से अच्छा विश्लेषण शायद ही किसी ने किया हो। ये सब जो टिपिकल चीजें हैं, जैसे 31A, 31B, 31C, जितना अच्छा डीडी वसु लिखा है तो अच्छा जे एन पांडे ने लिखा है, वी एन शुक्ला ने लिखा है। किताब वो बहुत अच्छी है, एमपी जैन, आप पता नहीं आप लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, मैं उस किताब का बहुत फैन हूँ, बहुत अच्छी किताब है। अभी ये समय नहीं उस किताब को पढ़ने का, लेकिन कुछ पार्टी कॉमन सिविल कोड एमपी जैन ने बहुत अच्छा लिखा है। जहां संविधान एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जहां पे संविधान साइलेंट है, वहां पे एमपी जैन अमेजिंग, बहुत अच्छे एमपी जैन। आपको और वी एन शुक्ला की किताब के साथ खास बात क्या है, वी एन शुक्ला की किताब में उन्होंने एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना शुरू कर दिया है। और जेन पांडे की किताब क्या है, वी एन शुक्ला की किताब की मिर्जी है, वही किताब जेन पांडे की है उसी लिख दिया है। बाकी मैं इस किताब को ऐसे कह रहा हूँ कि आपको, और अभी आप लोगों के जीवन स्टार्ट हो रहा है,
आप लोग जज बनने के बाद तो पढ़ोगे पढ़ोगे, तो आगे किस तरह से पढ़ो। मैं इतने सालों से कासुर पढ़ा, मुझे हमेशा नीचे मिल जाती है। मुझे कितने साल हो गए कासुर पढ़ाते हुए, 7-8 साल बीत चुके होंगे। अगर आप मेरे YouTube पे जाइएगा तो कासुर मैंने 5 से 6 बार पढ़ाया होगा। ये हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है, हर बार नई दृष्टि मिलती है। तो आप लोग भी उस दृष्टि को देखने की कोशिश करें। सिलेक्शन आपके होने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, मुझे इस बात में आप जिस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं मुझे लगता है। ओझा सर, हाँ ये आलोक जी जो है तो भाई दोबारा फिर उन्होंने परफॉर्म तो अच्छा किया है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, नॉलेज भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा क्या है कि ये जो इनका पैशन है जो 12th से लेकर अब तक का, वो भी अच्छा है, लेकिन इतना लंबा पैशन बताने की जरूरत नहीं है। मतलब कि फिर 20 के टाइम को वो करने का, मैं ये कह रहा कि आप जो शीशे में देखने की बात की गई है, देखिए कुछ तो पार्टी का अपना रिस्पांस होता ही है, इंटरव्यू बोर्ड में भी हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रेपुटेशन नहीं होता। आप जो गेस करने की बात कर रहे हैं, वहां पे बिना गेस का परमिशन मांगे हुए है आपकी डिक्शनरी में, और इंग्लिश की डिक्शनरी में भी एक प्रोबेबल वर्ड है, कहीं कहीं आप प्रोबेबली कह सकते हैं कि ये है या आई थिंक ये है। तो आलोक क्या है, आलोक क्या, जसपाल जी बात ठीक है, मैं राय दूंगा यार, गेस करो ही मत, हटाओ ना यार, कहे इस पचले में पड़ नहीं, गेस मत करो, गेस अलग है जहां जैसे आपका ये है कि। और मैं एक बात और कह दूं, इंटरव्यू में, लास्ट के इंटरव्यू में, पिछले जे के इंटरव्यू में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये कि अनुज जैन ने भी वही बात आपको समझाने की कोशिश की और उस पर आने की कोशिश की, मैं भी आ रहा हूं कि क्वेश्चन पे उसको ढंग से सुनिए। यदि पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय क्या है, तो आप सेक्शन 34 पे कूद के मत जाइए। आप बताइए कि सामान्य आशय एक से अधिक व्यक्तियों का आशय है जिसके परसुएंस में वो लोग कोई अपराध कारित करते हैं, और चूंकि उनका आशय सामान्य होता है, कॉमन होता है, इसलिए उनके दायित्व भी समान होते हैं। तो बेसिकली ये थ्योरी आप जो है, ये जो आप करते हैं कि ये साक्ष्य का एक सिद्धांत है या दायित्व निर्धारण का एक सिद्धांत है, ठीक है ना। तो ये है कि जहां ये तय नहीं हो सकता है कि दो एक से अधिक लोगों ने मिलकर कोई काम किया है तो उनकी लायबिलिटी कैसे फिक्स करें, तो आप सीधे आइए कि यहाँ के इंटेंशन कॉमन होने की वजह से, किसी अफेंस को कमिट करने के लिए इंटेंशन कॉमन होने के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉमन इंटेंशन, ठीक है। देन आइए, फिर आपसे इंग्रेडिएंट पूछा जा रहा है तो आपको पता है, अब पूछा जा रहा है कि पोजीशन के इंग्रेडिएंट क्या है, तो आप सीधे दिमाग में ये रखिए जरा से सेकेंड में कि भाई ये पूछा जा रहा है कि इसमें एनिमस होना चाहिए और कार्पस होना चाहिए। आप याद करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, वो लैटिन टर्म्स से याद करने की वहां पर कोशिश करें, नो ये ना करिए, जिससे ये लग जाए कि आपको आता है उतना कम्युनिकेट कर दीजिए। आप वो रटे रटाए को ढूंढने की दिमाग में कोशिश करने में गड़बड़ी हो रहा है। तो तत्काल जो पूछा जाए उसका जवाब आप दीजिए, बाकी नॉलेज आपका अच्छा है, कोई दो राय नहीं इसमें, और आपका काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। बॉडी का जो आपका एक्सप्रेशन है वो वहां पे कहीं कहीं ज्यादा हो जा रहा है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए कोशिश करके अपनी तरफ से। जैसे आंख को, जैसे सवाल के जवाब देने के लिए आंखें जैसे बाहर निकाल देना है, वो नहीं निकालना है कि बहुत स्ट्रेस के साथ उसको सामने रखना है। लिप्स को अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश भी थोड़ी सी कम कर दीजिए। तो बाकी नॉलेज अच्छा है और हमारी बेस्ट विशेज है, आपका पैशन भी जो है बिल्कुल सही होगा, और मेंटल वर्क करिए, क्वेश्चन फ्रेम करिए, उसका आंसर बताइए अपने आप को ही, है ना। तो ठीक है जी। आपका ड्रेस भी अच्छा लग रहा है, आपने जो ये ब्लू कलर की कोट पहनी है और शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है अगर आप टाई पहनते तो उतना अच्छा लगता जितना बगैर टाई के लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स टू गुड, मतलब ये एकदम सौम्य, बहुत ही अच्छा अपीयरेंस दे रहा है और आपके परिवेश के साथ जा भी रहा है। थोड़ा हॉबी पे काम करिए, हॉबी हर आदमी को तैयार जरूर करनी चाहिए। मैं इससे बोलता हूँ कि हॉबी पे पूछना एक बहुत कॉमन चीज होती है, वार्तालाप को आगे बढ़ाने के लिए हॉबी पूछ लेते हैं, इंटरेस्ट पूछ लेते हैं, फैमिली बैकग्राउंड पूछ लेते हैं, तो जिसके बारे में आप पता है कि सवाल पूछे जाने की संभावना है उसको तैयार रखना चाहिए।
ताकि आपके साथ ये दिक्कत ना आ जाए कि यार हम ये हमको पता था पूछा जाएगा, हमें तैयार नहीं किया। तो आप ऐसा एक कोई रास्ता न प्रदान कर दें कि जो आपके अनावश्यक आपके विपरीत चला जाए। आपकी भाषा भी ठीक है, भाषा भी आपको कोई समस्या नहीं, आप बोल लेते हैं, आपकी लैंग्वेज भी कंट्रोल है, ऐसी लैंग्वेज आप बोलेगा आराम से बोलेगा, आपका पेस भी ठीक है। थोड़ा आपके साथ दिक्कत क्या है, शुरू में जो समय ज्यादा लेते हैं उसको आप देखने की कोशिश करिएगा, बाकी आपका अच्छा है, मुझे आपके बारे में अच्छी उम्मीद लग रही है, कोशिश करिए। आपका इंटरव्यू किस तारीख को है? 21। हाँ, तो अभी 5 अभी 7-8 दिन का समय, 7-8 दिन अच्छा खासा समय होता है। कोई सवाल करना है आपको? सर हॉबी कैसे, हॉबी के लिए कैसे सर करें? यार हॉबी जैसे आपने लिखा है म्यूजिक सुनना, तो कल आप देखिए एक लड़का आया था उसकी भी हॉबी आपकी हॉबी सेम थी, तो कौन सा आपको गाना अच्छा लगता है, आपने उस लड़के की हॉबी थी गाना गाना, आप गाने सुनना है तो आप सुनने पे कंसंट्रेट करिए। आप ये गजल सुनते हो तो गजल ठीक से बोलना, आप गजल नज्म पर क्या होता है, कल का इंटरव्यू सुनिएगा आप ध्यान दीजिएगा, तो आप 3-4-5-6-10 अच्छी गजल आपने कौन सी देनी है, आपको कौन सा गजल गाकर अच्छा लगता है वो आप इस पे एक 20-25-30 सवाल बनाइए, उन सवालों को तैयार कर लीजिए। आपकी हॉबी अच्छी है कि आप गाते नहीं आपसे सुनते हो, उसी आप तैयार कर लीजिए। अगर आप म्यूजिक पे या कुछ राग पे आप बोले साहब बोलते राग म्यूजिक के समझ जाइए, आपको सुनना अच्छा लगता है, हमको ये स्वागत सुखाए लगता है, हमको ये आराम देता है, पढ़ने के बीच हमको गैप चाहिए उसमें हेल्प करता है। एक सवाल अक्सर आता है कि हॉबी आपके प्रोफेशन में कैसे हेल्प करेगी, बोलो आदमी जब जीवन में संगीत होता है आदमी थोड़ा फिर रिलैक्स होता है, आदमी के इमोशंस को हेल्प करता है, ये सब चीज़ें बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं। लेकिन आप पहले तैयार क्या कर लो कि आप 10-20-25 गजल देख लो, आप 5-7 गजल जानते रहो, जगजीत सिंह है, मेहदी हसैन है, गुलाम अली है, 4-5 एक आध दो नए गजल गायक का नाम देख लो, गजल पढ़ लो। क्या तारीख को है इनका इंटरव्यू? 20 तारीख को, अभी टाइम है 20 को है। हाँ, तो मेंटल वर्क करना पड़ेगा, और केवल म्यूजिक या गाना बताएंगे तो उसमें एक और डायमेंशन आ जाता है, वेस्टर्न का, इंडियन का, तो ये सारी चीजें हैं। आप कल थोड़े बाहर वाले की भी एक आध ज्यादातर आप मैं ज्यादातर गजल सुनता हूँ, मुझको ये गजल लगा अच्छे लगते हैं, और 10-20 गजल देख लीजिए कौन कौन से, उसी की दुलान याद कर लीजिए आप, इतनी ज्यादा इसमें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन ये ब्लैंक में चला जाए कि आप कुछ भी नहीं बता पाए, आप आज का ब्लैंक हो गया, आपने इनकार कर दिया मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, ऐसा ना हो। और कोई सवाल? नो सर। किसी और का कोई सवाल? किसी और के पास कोई क्वेश्चन है? नहीं है। अगर कोई सवाल नहीं तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, अगर कुछ आपको नहीं पूछना है तो ठीक है, तो ओके। देखिए अगर आप लोग नहीं बोलोगे, आप लोग नहीं एक्सप्रेस करोगे तो इंटरव्यू खराब ही होगा, आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे। मैं बार 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 कहता हूँ कि घोड़े को आप ले जा सकते हो जलाशय तक, पानी नहीं पिला सकते, पानी घोड़े को खुद पीना होगा। जिस आदमी ने भी बोलने का अभ्यास नहीं किया वो रिजेक्ट ही हुआ है, और जो भी बोलने के अभ्यास नहीं कर रहे हैं, जो बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो जिसे करंट अफेयर्स कोई पढ़ ही नहीं रहा है, करंट अफेयर्स के सवाल आप लोग कोई आंसर नहीं कर पा रहे हो, और करंट अफेयर्स हमसे लॉ ही पूछ रहे हैं, लॉ के बियॉन्ड तो पूछ नहीं रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करो। और पीसीएस जे की वैकेंसी यूपी की आ गई, 2 साल बाद आएगी, 2 साल पहले नहीं आएगी अब, तो अगर आप आज मिस करके 2 साल चला गया तो जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हो कि आप लोग बोलने का अभ्यास नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप सवाल हमारे साथ जो स्पायरेंट, हम तो ज्यादातर हम लोग आईएएस की ट्रेनिंग होती है, आईएएस की फॉरेस्ट किए हैं, पीसीएस जे का ही दूसरा बैच है, एक बैच पहले भी किया था। मैं सबको एक ही तरह राय देता हूँ उस मामले में कि आप अपने साथ के सवाल बनाइए, आपके व्यक्तित्व से, आपके परिवेश से, आपकी पर्सनालिटी से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्योंकि 2-3 सवाल वो बनते ही बनते हैं, क्योंकि बात को आरंभ करने का कहने का वो ढंग होता है। जो आपका कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है, वो तो बहुत इंप्रूव नहीं हो सकता ना अब इस समय, क्योंकि जो आपने नॉलेज है वो थोड़ा शार्प हो सकता है, ऐसा नहीं नॉलेज बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, लेकिन इन सब चीज़ों में फर्क आ सकता है, बोलने के ढंग में, एक्सप्रेशन में, उत्तर क्या दें, कैसे बिहेव करें, मैनरिज्म क्या हो, कपड़ा कैसे पहने, इस सब में तो फर्क आ सकता है ना, इसका अच्छा खासा मार्क्स होता है। चलिए कोई सवाल नहीं है तो वी शुड कॉल इट ए मीटिंग फॉर देम। हां अनु जी, तो कुछ कहना है? हेमलता सर एक स्टूडेंट है तो शायद देना चाह रही है, आज पूछ लेते हैं एक बार। हेमा
आवाज आ रही मेरी? हेमा कैसे देंगी? तैयार हो गई नहीं है? हाँ सर, मैंने आपको कहा था मेरा 14 को शेड्यूल कर दीजिए, उस दिन मैं ड्रेस में आऊंगी। ठीक सर, ठीक, ओके ओके, ठीक है सर, ओके, गुड नाइट।